बच्चों, आज हम लोग संबंधों के बारे में बात करेंगे। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन सभ्य समाज में रिलेशन का, संबंधों का कितना महत्व है यह हम सभी जानते हैं। जैसे भाई भाई का संबंध है, पिता पुत्र का संबंध है, माँ बेटे का संबंध है, भाई बहन का संबंध है, या हम गणितीय भाषा में कहें दो संख्याओं में कोई संख्या बड़ी है, छोटी है, बराबर है का संबंध है, या समुच्चयों के बारे में बात करें हम तो कोई किसी से किसी का सबसेट है, और तरह तरह के बहुत से संबंध होते हैं। जैसे रेखाएं हैं, दो रेखाएं समांतर हैं, लंब हैं, और तमाम तरह के संबंध होते हैं। इन संबंधों के बारे में हम यहाँ आज अध्ययन करेंगे, और इस अध्ययन में कुछ आवश्यक चीज़ें होंगी जो हम लोग कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं या और पीछे कक्षाओं पढ़ चुके हैं, लेकिन उसकी हमको यहाँ ज़रूरत पड़ेगी। उसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ इंट्रोडक्शन देते जाएंगे। जैसे सेट क्या होता है? समुच्चय, जैसा कि हम लोग कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं, सेट क्या है? सेट इज ए कलेक्शन ऑफ distinct and distinguishable elements, ठीक है ना? तो सेट के बारे में क्या है कि हर अवयव जो है इसमें स्पष्ट होना चाहिए। इसलिए जब इसमें बात होती है सेट की, तो बात आता है वेल डिफाइंड सेट की। वैसे सेट के बारे में तो जनरली सभी लोग जानते हैं, तमाम परिचय होता है। जैसे सोफा सेट है, किचन सेट है, और तरह तरह के सेट हैं, बने हुए हैं। तो सेट में क्या आता है कि जितनी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो सभी चीज़ें आ जाती हैं, उसको हम एक सेट कहते हैं। लेकिन गणितीय भाषा में क्या कहते हैं कि सेट में अवयव जो होते हैं वह सभी क्या होते हैं? अलग अलग और स्पष्ट होने चाहिए। तो जिसको हम कहते हैं कि सेट इज कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विशेबल एलिमेंट्स, अब होता है वेल डिफाइंड सेट का मतलब क्या है? किसी भी सेट के अवयव को हम देख करके यह बता सकें कि यक्स बिलोंग्स टू ए और यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। किसी अवयव को देख के हम बता सकें कि यह किसी सेट का अवयव है या नहीं है। जैसे हम अगर कह दें कि किसी अच्छे बच्चों का समुच्चय, कक्षा 12 के अच्छे बच्चों का समुच्चय, तो यह वेल डिफाइंड सेट नहीं होगा। लेकिन हम किसको नहीं बता सकते कौन सा लड़का अच्छा है कौन खराब है। लेकिन अगर हम कह दें कि 60% से ऊपर नंबर पाने वाले बच्चों का समुच्चय, तो यह वेल डिफाइंड होगा। जो 60% से ऊपर पाएंगे उस सेट में होंगे, और जो नहीं पाएंगे उस सेट में नहीं रहेंगे। अब बात आती है, इसमें एक दो शब्द और इस्तेमाल होगा, सबसेट क्या होगा? और सेट के बारे में हम डिटेल में नहीं बताएंगे क्योंकि काफ़ी टाइम हमारा चेंज हो जाएगा। सबसेट क्या होता है? इफ x बिलोंग्स टू a इम्प्लाइड दैट x बिलोंग्स टू b, देन a इज सेट टू बी सबसेट ऑफ b। तो a को हम b का सबसेट कहेंगे। मतलब x के सभी अवयव, a के सभी अवयव b में हो तो हम a को b का सबसेट कहेंगे, या कहेंगे a इज कंटेन्ड इन b और b कंटेनिंग a। क्योंकि इसका हमको आगे इस्तेमाल करना है, इसलिए इसको रिकॉल कर लिया जा रहा है। और इसके बाद आती है बात, हाँ बच्चों, तो हम लोग इसमें आगे ऑर्डर पेयर, क्रमित युग्म की बात करेंगे, क्योंकि इसका इसके बारे में हम लोग पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हाई स्कूल भी पढ़ चुके हैं। जैसे मान लीजिए एक सरल रेखा है, रियल लाइन है, माइनस अनंत से धन अनंत तक और माइनस अनंत से प्लस अनंत तक। एक हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है, दोनों रेखाएँ काट रही हैं। अब मान लीजिए आपने देखा कि एक रेखा है, समीकरण जो हाई स्कूल आपने पढ़ा है कि यक्स इक्वल टू 3, एक रेखा इधर है वाई इक्वल टू 4। तो यह एक बिंदु पे काट, दो रेखाएं एक बिंदु पे काटती हैं, तो इस बिंदु को कहते हैं 3 4। 3 4 का मतलब क्या हो गया? पहला एक्स कोऑर्डिनेट है, दूसरा वाई कोऑर्डिनेट है। उसी तरह से
अगर मान लीजिए एक दूसरा पॉइंट हम ले लेते हैं x इक्वल टू टू, y इक्वल टू थ्री, तो यहाँ एक पॉइंट y इक्वल टू थ्री हो जाएगा, तो एक पॉइंट आ जाएगा टू थ्री, ठीक है। तो इसी तरह से जब मान लीजिए यहाँ पे आ जाए x इक्वल टू माइनस थ्री, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा माइनस थ्री फोर, और इधर भी ले लें y इक्वल टू माइनस टू, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा थ्री माइनस टू, और यहाँ आ जाएगा माइनस थ्री माइनस टू। तो ये क्या शो करता है कि पहला पॉइंट जो होगा वह x का होगा और दूसरा y का होगा। यह क्रमित युग्म है, क्रमित युग्म कहने होता है ये निश्चित हमारा क्रम है। जैसे हमारा नियम है कि हम जो है पहले बनियान पहन के फिर शर्ट पहनते हैं, एक निश्चित क्रम है। शर्ट पहन के अगर आप बनियान पहन लेंगे तो कुछ न कुछ गड़बड़ महसूस होने लगेगा, यह हमारा क्रम नहीं है। तो एक निश्चित आर्डर है, इसी को क्रमित युग में यहाँ कहा गया है। जैसे ए बी एक क्रम हो गया, या जैसे आपको दिया गया है दशरथ राम, दूसरा लिख दिया गया वासुदेव कृष्ण, मोतीलाल जवाहरलाल, इसका मतलब पहला पिता है दूसरा पुत्र है। तो इस तरह से अगर कोई भी लिखा होगा क्रम में इसका आर्डर पेयर में, तो मालूम हो जाएगा कि पहला पिता है दूसरा पुत्र है। इस तरह से ये हमारा आर्डर पेयर है। अब इसके बारे में यहाँ पे हम जो आगे बात करने जा रहे हैं वह है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा क्या है? जैसे ये है हमारी एक लाइन R है, दूसरा R है, तो क्या हो गया, ये R क्रॉस R है, ये R क्रॉस R है, इसको हम कहते हैं, या इसी को R2 भी कहते हैं, टू डायमेंशनल में, दो डायमेंशनल में होता है, इसको R क्रॉस R कहते हैं। लेकिन ये भी रेखा है, ये भी रेखा है, लेकिन हम व्यवहार सिद्ध करने के लिए क्या कहते हैं, इसको हम यक्स यक्स डैश लिख देते हैं, इसको वाई वाई डैश लिख देते हैं, यक्स अक्ष और वाई अक्ष, तो इसी को नाम दे दिया जाता है यक्स क्रॉस वाई। अब इसी आइडिया को जनरलाइज करते हैं, मान लीजिए हमारा थ्री डायमेंशन में हो गया, आर थ्री हो गया, तो हो जाएगा आर क्रॉस आर, या थ्री डायमेंशन में पढ़ते हैं यक्स क्रॉस वाई क्रॉस जेड, ऐसी जनरलाइज कर देते हैं आर टू पावर एन हो जाएगा, आर क्रॉस आर एन बार हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हमको जो जरूरत है वह कार्टेशियन प्रोडक्ट की जरूरत है। तो हम कैसे डिफाइन करें कार्टेशियन प्रोडक्ट को, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी हमारा क्या है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, इसको पढ़ते हैं ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, इसके एलिमेंट होंगे ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू, पहला अवयव ए का होगा और दूसरा अवयव बी का होगा। इस तरह से जितने भी क्रम बनेंगे, क्रमित युग्म बनेंगे, वो सभी अवयव होंगे ए क्रॉस बी के। एक छोटा सा उदाहरण से मैं बताता हूँ, जैसे ए इक्वल टू दिया है वन टू और बी इक्वल टू दे दिया है ए बी सी, तो ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी इक्वल टू हो जाएगा वन ए वन बी वन सी टू ए टू बी टू सी, ठीक है। अब इसी के आधार पर हम डिफाइन करेंगे रिलेशन हमारा क्या होता है, रिलेशन संबंध, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज सेट टू बी रिलेशन ए और ए क्रॉस बी का कोई भी उपसमुच्चय होगा वह एक संबंध कहलाता है।
इसको लिख सकते हैं R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस D। और इसको पढ़ते हैं A रिलेटेड टू A B से संबंधित है। अब इसके बारे में और हम डिटेल में पढ़ सकते हैं। जैसे अब आपने पढ़ा है कि कोई फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा कि सेट का कोई भी सेट होता है उसके अंदर उसके जो सबसेट की संख्या होती है वो होती है 2n। तो ए क्रॉस बी है तो इसमें जो होंगे वह सबसेट कितने हो जाएंगे 2n होंगे। तो 2n रिलेशन संबंध इसमें बन सकते हैं। जैसे एक संबंध होता है हमारा इम्पटी रिलेशन। क्यों? क्योंकि कोई भी सेट होगा उसके दो सबसेट जरूर होते हैं। एक तो होता है फाई सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब क्या होगा ए क्रॉस बी, मतलब ए और बी में कोई भी संबंध नहीं है, तो क्या हो गया, यह होता है रिक्त संबंध। और दूसरा होता है यूनिवर्सल रिलेशन। क्या है? ए क्रॉस बी कोई भी सेट अपना सबसेट जरूर होता है। तो यह दो तरह के ये पर्सनल संबंध है। कुछ उदाहरण के बारे में बता देने हैं, एग्जाम्पल है। जैसे भारत नई दिल्ली, यूएसए, वाशिंगटन, इटली, रोम। इस तरह से मतलब कि क्या है, पहला देश है, दूसरा उसकी राजधानी है। या दूसरा एग्जांपल देखिए, ऐसे एक सेट है ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4, बी इक्वल टू दिया है 1, 4, 9, 16। अब संबंध है, वर्ग है संबंध है, डिफाइन किया गया है। तो क्या हो जाएगा, इसमें रिलेशन आ जाएगा 1, 1, 2, 4, 3, 9, 4, 16। इसी तरह से पैरेलल टू समांतर है। इसमें अगर कोई भी रेखा ए रेखा दूसरे की पैरेलल है, ए पैरेलल टू बी, और हो सकती हैं पैरेलल टू सी हो सकता है। तो इस तरह से समांतर रेखाएं बन सकती हैं, लंब रेखाओं को बन सकता है। कोई भी जो भी संबंध बनेगा दो अवयवों के बीच में वह डिफाइन होगा, वह संबंध कैसा होगा। अब हम बात करते हैं बाइनरी रिलेशन, द्विआधारी संबंध। क्या होता है, कोई रिलेशन एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज सेट टू बी बाइनरी रिलेशन ऑफ आदि सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। किसी सेट का अपने सेट पे ही जो संबंध होता है वह होता है बाई रिलेशन। जैसे अब आप लोग प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पढ़ चुके हैं, प्राकृतिक संख्याओं में धन का संबंध है, तो क्या होता है गुणा का संबंध है। तो यह होता है, जो दो धन दो जोड़ेंगे क्या आएगा, प्राकृतिक संख्या ही आएगी, 2 × 3 = 5, 2 × 3 करेंगे 2 × 3 = 6, प्राकृतिक संख्या ही आएगी। तो अपने सेट का अपने से ही जो संबंध होगा उस संबंध को क्या कहते हैं हम, द्विआधारी संबंध। और यहाँ पे हम
द्विआधारी संबंध हमारे कई तरह के होते हैं। हम थोड़ा सा इनवर्स रिलेशन के बारे में बात करेंगे। प्रतिदर्श संबंध क्या होता है? इनवर्स रिलेशन क्या होता है? ए टू बी है, इधर आर होगा तो इधर क्या आएगा? इधर हो जाएगा आर इनवर्स। ठीक है, जैसे ए बी में ले जा रहा है आर, तो आर इनवर्स क्या करेगा? या जो है बी को ए में ले जाएगा। ए रिलेटेड टू बी होता है, तो ये इनवर्स जो हो जाएगा बी आर इनवर्स रिलेटेड टू ए। ठीक है, अब हम बाइनरी रिलेशन के बारे में बात करेंगे। टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशन। पहला है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध क्या होता है? अपने का अपने से ही संबंध। ठीक है, वही जो है यक्स रिलेटेड टू यक्स, या इसको लिखते हैं यक्स यक्स बिलोंग्स टू आर। यक्स जो है आर जो है यक्स को यक्स पे ही ले जाए, तो इसको कहते हैं हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे आपका भाई का संबंध है तो हर एक अपना भाई होता है। पैरेलल का संबंध है, भाई का संबंध, समांतर रेखाओं का संबंध, हर रेखा अपनी समांतर होती है, इसलिए क्या होगा? यह इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और दूसरा है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? एक्स रिलेटेड टू वाई इंप्लाइड दैट वाई रिलेटेड टू एक्स। अगर एक्स वाई संबंधित है तो वाई भी एक्स से संबंधित होगा। फॉर एग्जाम्पल पैरेलल टू, अगर एक्स वाई के पैरेलल है तो दिस इंप्लाइड दैट वाई पैरेलल टू एक्स। या परपेंडिकुलर है, एक्स अगर परपेंडिकुलर वाई है, दिस इंप्लाइड दैट वाई परपेंडिकुलर टू एक्स हो जाएगा। थर्ड लेसन है भाई का संबंध है, अगर एक्स वाई का भाई है तो वाई एक्स का भाई होगा। तीसरा एग्जाम्पल है कांग्रुएंस का। कांग्रुएंस क्या है? अगर एक्स ट्रायंगल, मान लीजिए अगर ट्रायंगल ए कांग्रुएंस है ट्रायंगल बी के, दिस इंप्लाइड दैट ट्रायंगल बी कांग्रुएंस टू, अगर ए बी के सर्वांगसम है तो बी भी ए के सर्वांगसम होगा। पहला रिफ्लेक्सिव था, स्वतुल्य, दूसरा सममित, तीसरा एंटीसिमेट्रिक। एंटीसिमेट्रिक क्या होगा? एक्स रिलेटेड टू वाई एंड वाई रिलेटेड टू एक्स, दिस इंप्लाइड एंड इंप्लाइड बाई एक्स इक्वल टू। अगर एक्स वाई संबंधित है और वाई एक्स से संबंधित है तो यह निश्चित होगा, अगर एंटीसिमेट्रिक है तो एक्स इक्वल टू वाई होगा, या एक्स इक्वल टू वाई है तो यह एंटीसिमेट्रिक होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए सबसेट बी एंड बी सबसेट ए, दिस इंप्लाइड एंड इंप्लाइड बाई ए इक्वल टू। ठीक, चौथा हमारा है ट्रांसटिव रिलेशन। संक्रमण क्या है? यस रिलेटेड टू वाई एंड वाई रिलेटेड टू जेड, दिस इंप्लाइड दैट एक्स रिलेटेड टू जेड। फॉर एग्जाम्पल पैरेलल टू, एक्स पैरेलल टू वाई
and y parallel to z, this implied that x is parallel to z. For example, x, y, z. Equal to, second example, equal to, x equal to y and y equal to z. This implied that x equal to, तीसरा एग्जाम्पल पा सकते हैं, भाई है, भाई का संबंध क्या है, अगर एक्स वाई का भाई है, वाई जेड का भाई है, तो एक्स भी जेड का भाई होगा। अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन की। इक्विवेलेंस रिलेशन, any binary relation R on set A is said to be equivalence relation. Relation if it is reflexive. Second, symmetric. Third, transitive. अगर तीनों होगा, अगर कोई भी द्विआधारी संबंध वह स्वतुल्य हो, सममित हो और संक्रमण हो, तो निश्चित रूप से उसे कहेंगे स्वतुल, क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस, तुल्यता संबंध होता है। एग्जांपल, फर्स्ट पैरेलल टू, एक प्लेन में रेखाओं का समांतर होना यह क्या होता है, यह रिफ्लेक्सिव भी है क्योंकि एक्स पैरेलल टू एक्स रिफ्लेक्सिव। सेकेंड, एक्स पैरेलल टू वाई एंड इम्प्लाइड दैट वाई पैरेलल टू एक्स हो गया, सिमेट्रिक हो गया। सिमेट्रिक और थर्ड, एक्स पैरेलल टू वाई एंड वाई पैरेलल टू जेड, दिस इम्प्लाइड दैट वाई पैरेलल टू x parallel to z, यह हो गया transitive। इसलिए जो होता है parallel to होगा वह जो होगा यह हमारा x y z, यह हो गया हमारा transitive relation हो गया। दूसरा example कह सकते हैं equal to, यह भी क्या है, x equal to y, पहला जो होगा है x इक्वल टू x है, x इक्वल टू y, इम्प्लाइड दैट y इक्वल टू x, सिमेट्रिक रिफ्लेक्स हो गया, सिमेट्रिक हो गया। x इक्वल टू y एंड y इक्वल टू z, दिस इम्प्लाइड दैट x इक्वल टू z, यह हो गया हमारा इक्विवेलेंस जो होता है ट्रांसिटिव हो गया, इसलिए तीनों मिला करके यह हो गया हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। भाई का संबंध है तो यह भी जो होता है इक्विवेलेंस होता है क्योंकि यह रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांसिटिव भी है। और इस तरह से बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल, जैसे लंब है, लंब अगर इन प्लेन में देखिए टू डायमेंशन में, तो लंब जो है वह इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है क्योंकि कोई भी रेखा अगर एक्स वाई के ऊपर लंब है, वाई जेड पर लंब है, तो एक्स जेड के समांतर हो जाएगी, फिर वह इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं रहेगा। लेकिन थ्री डायमेंशन में हो जाता है, लेकिन टू डायमेंशन में वह नहीं हो पाएगा। अब हम बात करते हैं आइडेंटिटी रिलेशन का। आइडेंटिटी रिलेशन, तत्समक संबंध क्या होता है, यह भी वही है, x रिलेटेड टू x, मतलब x को x पे ही ले जाता है, तो क्या होता है, इसको बोलते हैं आई एक्स आइडेंटिटी रिलेशन। लेकिन अभी आप बात देखे होंगे कि रिफ्लेक्शन भी यही बात आई थी, यहाँ भी वही बात आ गई,
तो दोनों में अंतर क्या है? आइडेंटिटी तभी होगा जब वह ए के सभी अवयव के लिए फॉलो करता है। आइडेंटिटी अगर संबंध होगा तो वह जब सभी के लिए होगा तो आइडेंटिटी होगा, लेकिन अगर मान लीजिए कुछ के लिए है कुछ के लिए नहीं भी है तब भी रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ये बहुत बड़ा अंतर है। परिभाषा रिफ्लेक्सिव भी थी, एक्स बिलोंग्स टू आई, एक्स रिलेटेड टू एक्स, एक्स जो है एक्स पे ही ले जा रहा है, तो आइडेंटिटी मतलब चेंज नहीं, आइडेंटिटी मतलब जैसा है वैसा ही रह रहा है। आइडेंटिटी का यह स्वरूप होता है कि किसी पर ऑपरेट करने के बाद उसके स्वरूप में या उसके मान में कोई अंतर न आए। और जो हमारा रिफ्लेक्सिव था वो क्या था? वो केवल रिफ्लेक्शन था, ठीक है, जैसा था वैसा ही उसमें जो दिखाई दे रहा था तो बहुत व्यापक था, उसमें बहुत ज़्यादा होने में भी कोई जरूरी नहीं कि वो हो ही आगे, ठीक है। लेकिन आइडेंटिटी में क्या है, जरूरी है कि सभी उसमें रहे। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इसी में इक्विवेलेंस क्लास के बारे में। इक्विवेलेंस क्लास यह बड़ी ही इंपॉर्टेंट आइडिया है, इसको हम डिनोट करते हैं ए, इक्विवेलेंस क्लास ए, पढ़ते हैं इसको हैं इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास डिटरमाइंड बाई ए। ए हो गया हमारा लीडिंग एलिमेंट। इसका मतलब एक एग्जांपल समय आपको दिखाता हूं। जैसे एक प्लेन है, प्लेन में पैरेलल टू संबंध है। पहली बात तो है कि इसको इक्विवेलेंस होने के लिए क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन होना पड़ेगा, है ये जो है इक्विवेलेंस रिलेशन ऑलरेडी है। तो इसमें क्या होगा, पैरेलल टू, जैसे एक रेखा मान लीजिए कोई ए है, अब इसके पैरेलल जितनी भी रेखाएं होंगी वह सभी क्या होगी, उस क्लास में आ जाएंगी, सभी उसके पैरेलल हो जाएंगी, कहेंगे इसको इक्विवेलेंस क्लास डिटरमाइंड बाई ए। दूसरी रेखा मान लीजिए बी है, अब इसके भी पैरेलल जितनी भी रेखाएं होंगी वह सभी क्या होगी, इक्विवेलेंस क्लास बी में आ जाएंगी। तीसरी मान लीजिए कोई रेखा सी है, इसके पैरेलल जितनी भी रेखाएं उस प्लेन में होंगी, अनंत हो सकती हैं, वह सभी क्या हो जाएंगी, इक्विवेलेंस क्लास सी में आ जाएंगी, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर यह पूरा का पूरा एकदम सबका यूनियन ले लें तो ये अगर सेट इक्विवेलेंस क्लास, तो इसको बोलते हैं R बाई ए कोसेंट रिलेशन। कोसेंट रिलेशन क्या होगा, इसके एलिमेंट जो होंगे वह इक्विवेलेंस क्लासेज होंगे, ए बी सी इस तरह से। अब हम लोग जो है इक्विवेलेंस क्लास के ऊपर कुछ थ्योरम्स देखेंगे क्या है। तो मान लीजिए R रिलेशन है इक्विवेलेंस, यहाँ पर पहले बात है कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, है? तो R जो है इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसमें जो है R इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन A, देन फर्स्ट A इज नॉट यूनिटी, सेकेंड If B belongs to A, this implied that A equal to B. Third result है A equal to B. A equal to B, this implied and implied that AB belongs to A. And fourth result is A intersection B equal to phi and or A equal to, ठीक है। तो फर्स्ट प्रूफ इक्विवेलेंस सेट A, इसका मतलब क्या हो गया, A रिलेटेड टू ए, इक्विवेलेंस क्लास है तो ए रिलेटेड टू ए, मतलब क्या होगा कि ए बिलोंग्स टू आर, इसमें कोई न कोई ए बिलोंग्स टू ए।
तो ए ए ए बिलोंग्स टू आर हो गया, क्योंकि ये इक्विवेलेंस क्लास है, इसलिए इसमें एक एलिमेंट अवश्य होगा जो उसको डिटरमाइन करेगा, इसलिए यह अरिक्त हो सका अरिक्त नहीं होगा, कोई ना कोई एक अवयव इसमें अवश्य होगा। दूसरा बी, इफ बी बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू ए मतलब क्या हो जाएगा, ए रिलेटेड टू बी, ए रिलेटेड टू बी मतलब क्या हो जाएगा कि ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, तो अब इसमें हम मान लेते हैं कि यक्स कोई यक्स इज एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट इन यक्स इज आर्बिट्रेरी एलिमेंट इन बी, तो देन यक्स बी belongs to R, और x belongs to R, this implied that bx x भी belongs to R, x भी belongs to R and AB belongs to R, this AB belongs to R, this implied that BA belongs to R, क्योंकि R जो है symmetric होता है, इसलिए X belongs to B and B belongs to BA belongs to R, this implied that XA belongs to R, this implied that X belongs to, इट मीन्स ए इज ए सबसेट ऑफ बी, सिमिलरली वी कैन शो बी इज ए सबसेट ऑफ ए एंड दिस इंप्लाइड दैट ए इक्वल टू, सिमिलरली यू कैन शो थ्री एंड फोर, एंड हम लोग जो है फिर अगले दिन अगले टॉपिक पर इस पर बात करेंगे, फलन क्या होता है, फलन के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है।